हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब ठीक होंगे। और मैं अपने चैनल के तिलकड़ा ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूं। और अभी दोपहर का टाइम हो गया है और मैं लंच बना रही हूं। तो मेरा लंच में खाना पक गया, सॉरी, तो मेरा लंच में खाना पक गया है और इधर दाल भी मेरा पक गया है और इधर मैं क्या बना रही हूँ, तो आप लोग मसाजी का दूध उबल रहा है। यहाँ पर मैं सोयाबीन बरी बना रही हूँ, तो आज मैं झटपट में सोयाबीन बरी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं तेल भी चढ़ा दी हूँ और इधर सोयाबीन बरी थोड़ा सा गर्म पानी में करती तो थोड़ा लेट हो जाता, हमको हड़बड़ी में चाहिए। तो यहाँ पर मैं प्याज डाल देती हूँ, फटाफट से कर लेती हूँ। बच्चे स्कूल से आ गए हैं और मैं कुछ काम कर रही थी, इस वजह से मेरा बन नहीं पाया था सब्जी। दाल तो मेरा बन नहीं गया है, सब्जी नहीं बन पाया था, तो मैं फटाफट तेज तरह से सोयाबीन को भून लूँगी। तो आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिए, मैं किस तरीके से बनाती हूँ आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी। तो गाइस, यहाँ पर मेरा प्याज भुनने चढ़ चुका है, आप लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से मैंने यहाँ काटा है प्याज को। और इसको मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी गैस, देखिए मेरा कढ़ाई से भी निकल गया, हड़बड़ी से गड़बड़ी। तो गाइस, आप लोग खाते होंगे सोयाबीन तो ज़रूर बनाते होंगे घर में जो, तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये मैं बड़ी धो करके थोड़ा बॉईल कर ली थी, फटाफट से बॉईल कर ली थी इसको, फिर इसमें मैं ठंडा पानी कर लूँगी और अच्छे से धो लूँगी, तो उसका झाग झाग होता है ना उसको निकाल लूँगी। तो वैसे बिना देरी किए देखिए ये भी हो ही गया है, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। उसके साथ में ये बरी जो अभी मैं धो के लाई थी उसको मैं डाल देती हूँ, फटाफट से बना रही हूँ, इसमें कोई नहीं। हाथ से आप लोग इसको पानी निचोड़ करके भी डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा गर्म था और इसीलिए मैं क्या है, तो सोयाबीन इसको हड्डी समझ से खाता है। और इसको ये सोयाबीन सब्जी मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है। तो मैं किस तरीके से बना रही हूँ देखिए, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। कोई इसमें कुछ नहीं डाली हूँ मैं अभी, चल प्याज भून करके सोयाबीन को डाल दूँ, तो थोड़ा इसमें मैं नमक डाल दूँगी ताकि अंदर तक जाएगा। तो यहाँ पर है मेरा मसाला दानी, खाली हो गया था मेरा मसाला दानी, अभी मैं भरी फिलहाल। तो यहाँ नमक ले रही हूँ मैं, दो चम्मच डालूंगी। और ये अभी हल्दी में डालती हूँ, बस नमक डालती हूँ। गाइस, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका पानी हटा गया है, तो इस तरीके से भून रही हूँ मैं इसको, थोड़ा भून रही हूँ मैं। तो ये मेरा सूख गया देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं डाली हूँ, बार बार प्याज गिर जा रहा है। तभी मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दूंगी और ये है गरम मसाला, मिक्स मसाला। और इसमें कश्मीरी मिर्ची भी डाल देती हूँ और ये धनिया भी डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा सबको, फिर इसको अच्छे से इसे मिला दूंगी देखिए। ये मसाला डाल के मैं थोड़ा सा भूनने देती हूँ मसाला को, तो इस तरीके से दिख रहा है, देखिए कलर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है।
और इधर से मैं निकालती हूँ जो कि मैं डालती हूँ सोयाबीन में ये सॉस, उसके बाद में खाने में बहुत ही मजा आता है। तो गाइस यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से ऐसे भून गया, आप लोग देख रहे हैं कढ़ाई में भी ऐसे लग रहा है। थोड़ा निचोड़ के डालने से तेल ज्यादा नहीं लगता, तो निचोड़ के मैंने ही डाली थी। थोड़ा निचोड़ के डालने से इसमें तेल ज्यादा नहीं लगता है, तो मैंने निचोड़ी नहीं। और मैं अब देखिए इतना सॉस डाल। और गाइस आप लोगों के पास सॉस नहीं होगा तो समय आप लोग क्या कीजिएगा, टमाटर का प्यूरी बना दीजिएगा, उसके बाद में इस तरीके से बना के खाइएगा। हम मास्क कर देते हैं हम लोग, देखिए ऐसे बन जाएगा। और थोड़ा सा डालती हूँ मैं, आपके पास वो है तो वो भी डाल दीजिएगा, क्या बोलते हैं चिल्ली सॉस, गरगर आ रहा है भाई, चिल्ली सॉस और सोया सॉस वगैरह हो उसको भी डाल दीजिएगा। मेरे पास सोया सॉस है लेकिन बहुत दिन का एक्सपायरी वाला है इसलिए नहीं डालती हूँ, नहीं तो मैं डालती हूँ। तो गाइस मेरा बन के रेडी हो गया। लास्ट में थोड़ा सा मैं चिकन मसाला, इसमें मैं चिकन मसाला डाली हूँ तो चिकन मसाला थोड़ा सा डाल देती हूँ। चलिए गाइस हम लोग के साथ में लंच करने के लिए आपको दिखाती हूँ हम लोग का लंच कैसा लगेगा, बच्चों को पसंद आएगा कि नहीं। गाइस माइंड नहीं कीजिएगा, बच्चे बहुत हल्ला करते हैं। तो गाइस मेरा बन के रेडी हो गया है, तो हम लोग इसको खाने चलते हैं। तो देखिए इस तरीके से सूखा झटपट में बन जाता है, इसमें कुछ डालना वाला नहीं होता ज़्यादा, ऐसे इस तरीका भी पसंद करता है मेरा बच्चा लोग। तो गाइस अभी हम लोग का खाना लग गया, आप लोग देख पा रहे हैं वो काव्या का है, अभी काव्यांश का है जो कि, और अभी मैं दाल नहीं डालूंगी, तो मैं दाल भी डाल देती हूँ। मेरा बेटा को ना दाल नहीं पसंद है, दाल खाना नहीं पसंद करता है, तो भी मैं ज़बरदस्ती इनको खिलाती हूँ। अरे ये वाला मेरी बेटी का है, जल्दी हाथ धो के आ जा बेटा, उसको दाल बहुत पसंद है, उसको ज्यादा दूंगी, करी पता चला गया इसका, मैं इसमें भी दे देती हूँ। आ जा बेटे, अभी हम लोग लंच करने वाले हैं, तो इनका प्लेट लग गया और लोग हाथ धोने गया है, पता नहीं कौन किधर गया है, अभी तक नहीं आ रहा, जल्दी आओ। तो गाइस अभी मैं खाना स्टार्ट करती हूँ और मैं रिव्यू देती हूँ इसको कैसे बना है। अच्छा बना है, बिल्कुल मैश की तरह लग रहा है, देखिए चिकन चिल्ली की तरह लग रहा है, मतलब तीखा डालती ना गाइस तो स्वाद उसका उसी टाइप का आता, चिकन चिल्ली टाइप का। तो गाइस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट। क्या लाया रे, मिर्ची घास तोड़ा तुम्हारा, मिर्ची नहीं तोड़ते बेटा, वो छोटा छोटा है, बड़ा हुआ ही नहीं। तो गाइस मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर के बाद में, तो आप लोग कंटिन्यू किए रहिए और वीडियो का आनंद लेते रहिए। तो गाइस अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठ गई हूँ, मतलब सो गई हूँ, बैठ गई हूँ बोलती हूँ। और बाहर अब बाहर का नजारा दिखाती हूँ आपको, देखती हूँ बारिश आ रही है गाइस, मेरा पिल्लो गिर रहा है, तो नेट लगा हुआ है ज्यादा लाइट हो गया। तो गाइस आप लोग देख पाइएगा यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है,
सुनहरा बारिश हो रहा है, झमझम बारिश हो रहा है, कोई मस्त वाला बारिश हो रहा है। कितना अच्छा बारिश हो रहा है। और हम लोग का बादाम बहुत ही झुमझुम के नाच रहा है। और इधर मैं लेट गई हूँ गाइस, और आपके लिए भी वार्निंग रहेगा। वन टू थ्री, बदमाशी करते रहता है।